क्यों भाई, ओडिशा वालों की आवाज को क्या हो गया है? मयूरभंज वाले ऐसे बोलेंगे, मोदी जी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, ओडिशा में सरकार बनाने की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, मयूरभंज लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हमारे विश्वेश्वर टुडू जी, हमारे विधायक प्रत्याशी श्री कृष्णचंद्र जी, श्री सुद्दा मुर्मू जी, श्री विमल जी, महाराजा प्रवीण चंद्र जी, महारानी राज्यराज लक्ष्मी जी, डॉक्टर लेखाश्री जी, श्रीमती सुजाता मुर्मू जी, श्री शारदा सतपति जी, श्री छोटेलाल महंती जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण और आज इस मयूरभंज क्षेत्र में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मैं आज ये 261वीं लोकसभा क्षेत्र के अंदर आया हूं। साढ़े चार महीने में 261 लोकसभा क्षेत्र घूमकर आया हूं, आज ये मयूरभंज में आया हूं। ये मयूरभंज अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए, किचाऊ नृत्य के लिए, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा और जगधार मेला के लिए जाने जाता है और इसीलिए द्वितीय श्री क्षेत्र भी कहते हैं। और यहां मां सुभद्रा का रथ केवल और केवल मातृशक्ति को खींचने का अधिकार है, मातृशक्ति को। मैं आज ओडिशा की मयूरभंज की मातृशक्ति को दो हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। मित्रों, मां अंबिका देवी, मां जगतधात्री, मां ज्वालामुखी और मां दुर्गा का एक क्षेत्र, मैं हमारी चारों माताओं को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जैसे मैंने पहले बताया, मैं 262वें क्षेत्र के अंदर आया हूं। मैं पूरब में गया, पश्चिम में गया, उत्तर में गया, दक्षिण में गया, जहां जहां गया मैंने एक ही नारा सुना है, मोदी 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 मोदी। देश भर में ये मोदी मोदी का नारा सुनाई पड़ता है और ये मोदी मोदी का नारा सुनाई पड़ता है, उसने एक ही संकल्प नजर आता है कि पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से एक बार निर्णय कर बैठा है। मयूरभंज वालों, बताओ, आप भी मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो ना? जोर से बोलो, चाहते हो ना? मगर मैं आपसे एक वादा लेने आया हूं, सिर्फ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर नहीं चलेगा। ये बीजू जनता दल की जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसको उखाड़ कर फेंक देने का काम भी मयूरभंज वालों ने करना पड़ेगा। अकेले मोदी जी ओडिशा का विकास नहीं कर सकते, मोदी जी को नीचे एक मजबूत हाथ चाहिए, एक थका हुआ आदमी नहीं चाहिए, एक भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चाहिए, एक ओडिया न जानता हो
उड़िया भाषा में बोल न सकता हो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। बताओ मयूरभंज वालों, सातों सात विधानसभा कमल खिलाओगे? खिलाओगे कमल? मित्रों जिस प्रकार की रैलियां, जिस प्रकार की रैलियां उड़ीसा के अंदर हो रही है, इन नवीन बाबू के बाबू जो तंत्र चलाते उनकी नींद उड़ गई है, नींद उड़ गई है, नींद उड़ गई है। उनको मालूम है कि यहां भाजपा की सरकार बनने वाली है। मित्रों पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एकमुश्त हुआ है, और कारण नहीं हुआ है। मैं मोदी जी को गुजरात के समय से जानता हूं, मैं इनके साथ सालों से काम करता हूं। मित्रों नरेंद्र मोदी जी ने 20 साल के अंदर एक भी वैकेशन नहीं लिया है, एक भी वैकेशन नहीं लिया है। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने वाला ये प्रधानमंत्री, एक मेहनती प्रधानमंत्री है, एक पारदर्शी प्रधानमंत्री है, एक निष्ठावान प्रधानमंत्री है और एक संवेदनशील प्रधानमंत्री है। मित्रों नरेंद्र मोदी जी के शासन में 5 साल के अंदर देश के 7 करोड़ गरीब महिलाओं को, ये धर्मेंद्र प्रधान यहां बैठे हैं, हमारे उड़ीसा के ही बड़े नेता है, वो ही पेट्रोलियम मंत्री है, 7 करोड़ गरीब माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, 2 करोड़ गरीबों को घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है, 2.5 करोड़ गरीबों को घर देने का काम किया है और 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय टॉयलेट पहुंचाने का काम करकर 8 करोड़ परिवारों की माताओं और बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। मित्रों मोदी जी ने 50 करोड़ गरीबों को, देश के 50 करोड़ गरीबों को कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, लकवा हो जाए, गुर्दा बदलाना हो, लीवर बदलाना हो, 5 लाख तक का सारा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार देती है। आज सुबह तक 23 लाख से ज्यादा गरीबों के ऑपरेशन आयुष्मान भारत योजना के तहत समाप्त हो गए। आप ताली मत बजाओ, इसमें आपके लोग नहीं है, उड़ीसा के गरीब नहीं है, क्योंकि ये नवीन बाबू आयुष्मान भारत योजना को उड़ीसा में आने देना नहीं चाहते। मित्रों आने देना नहीं चाहते। मैं पूछना चाहता हूं नवीन बाबू, ये भले भोले मयूरभंज के मतदाताओं ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या क्यों आप आयुष्मान योजना का फायदा उन तक नहीं पहुंचने देते हो? यहां से कोई बेटा अगर सूरत गया और वहां बीमार पड़ा तो खर्चा कौन देगा? कोई दिल्ली गया अपने काम के लिए बीमार पड़ा, खर्चा कौन देगा? मित्रों मैं आपको वादा करने आया हूं, उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार बना दो, उड़ीसा के सभी लोगों को आयुष्मान भारत का फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंचाएगी। मित्रों नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए बहुत सारे काम किए, उड़ीसा के लिए भी बहुत सारे काम किए, मैं बाद में बताता हूं, परंतु सबसे बड़ा काम किया है देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, सोनिया मनमोहन की सरकार रही, 10 साल तक पाकिस्तान से
कोई भी आलिया हमालिया जमालिया घुस जाता था, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाता था। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौनी बाबा ऊफ नहीं करते थे। इस बार कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया और मित्रों हमारे 40 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। पूरे देश भर के अंदर हताशा गुस्सा निराशा क्रोध पूरे देश भर के अंदर सबको लगा अब क्या होगा। पाकिस्तान ने भी देर नहीं की, पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी थी, उन्होंने भी सीमा पर तोपे लगा दी टैंके लगा दी सेना बिछा दी। हम सबको भी लगता था अब क्या होगा, मगर ये नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है ना, वो 56 इंच की छाती वाला आदमी है, 56 इंच की छाती वाला। पाकिस्तान ने जमीनी पर सेना बिछा दी टैंक तोपे बिछा दी, मोदी जी ने वायु सेना को हुक्म दिया हमारे वायु सेना के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट पर बमबारी कर आतंकवादियों के पुर्चे पुर्चे उड़ाकर वापिस आ गए। मुझे बताओ मयूरभंज वालों, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? जरा जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? देश भर में आपकी तरह सब लोगों ने कहा अच्छा हुआ। देश भर में फटाके जलने लगे, मिठाइयां बंटने लगी, शहीद जवानों की तस्वीरों पर मालाएं लगने लगी, पुलवामा के शहीदों के घर में भी दीपावली हो गई। परंतु दो जगह निराशा और मातम था, दो जगह। एक तो पाकिस्तान के अंदर निराशा थी, वहां तो होनी ही चाहिए ना भाई, बोलो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? और दूसरी ये राहुल बाबा एंड कंपनी के कार्यालय में निराशा थी, उनके चेहरे लटक गए, उनके चेहरे का नूर उड़ गया। मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा कि पाकिस्तान के आतंकवादी मरे, ये राहुल बाबा के चेहरे का नूर क्यों उड़ गया है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा, आपके चचेरे मेरे भाई लगते हैं क्या? मित्रों सैम पित्रोड़ा कहते हैं 5-7 लड़कों ने बम गिराए, आप क्यों बम पुलवामा में हमला किया, आप क्यों बमबारी कर रहे हो, उनसे बातचीत करो। मुझे बताओ मयूरभंज वालों, 40 जवानों को जो मार दे उससे बातचीत करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए क्या? मित्रों मैं आपको बता देता हूं, ये राहुल बाबा एंड कंपनी भले कहे आतंकवादियों से बातचीत करो, नरेंद्र मोदी सरकार स्पष्ट है, वहां से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मित्रों आदमी कैसे बदलते, अभी अभी ये शत्रुघ्न सिन्हा हमारी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए। शत्रुघ्न सिन्हा जी यहां थे तो वो देशभक्ति की बातें करते थे, जैसे ही कांग्रेस में गए उन्होंने कहा गांधी और सरदार पटेल की तरह जिन्ना भी महान व्यक्ति थे। मुझे बताओ माइयो, जिस जिन्ना ने देश को तोड़ने का काम किया उसकी प्रशंसा ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं, ये उनका चरित्र बताता है। अभी अभी पीसी चाको ने कहा, अभी अभी कहा कि यासीन मलिक पर नरेंद्र मोदी सरकार कठोर कार्यवाही न करे। यासीन मलिक कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। मित्रों यासीन मलिक पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पीसी चाको कुछ भी कहे, मैं कहता हूं आपको, जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये कश्मीर हमारा है,
भारत माता का मुकुट मणि है, इसको कोई नहीं बदल सकता। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने ओडिशा के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले पुराना खनन कानून बदला और डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की रचना की। लगभग मयूरजन जिले को ही, अकेले ओडिशा को ही 6000 करोड़ रुपया आदिवासियों के कल्याण के लिए मिला है, 6000 करोड़ रुपया। मित्रों, 5 साल के अंदर 3 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहां निवास किया और तटीय इलाके को नए भारत का अहम सेंटर बनाने के लिए मोदी जी दिन रात काम करते हैं। मित्रों, सड़कों का झाड़ बिछाया है, बंदरगाह नई बन रही है, बंदरगाहों को सड़कों से जोड़ने का काम हो रहा है। 11 विकास परियोजनाएं सागरमाला के तहत 10000 करोड़ रुपया इसके लिए आगे बढ़ाया है। और मित्रों, ढेर सारी संस्थाएं IISER, IIM, IIT, एम्स, ये सारी संस्थाएं ओडिशा के अंदर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और दूसरी ओर बीजू जनता दल की सरकार है। ये चिटफंड घोटाला जानते हो ना आप लोग? चिटफंड घोटाला जानते हो ना? हजारों करोड़ रुपया ओडिशा की गरीब जनता का ये बीजू जनता दल के नेता खा गए। मित्रों, मैं आपको गारंटी देता हूं, ओडिशा के अंदर एक बार भाजपा की सरकार बना दो, भाजपा का मुख्यमंत्री ला दो, ये चिटफंड घोटाले वालों को 90 दिन के अंदर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। मित्रों, ये ओडिशा हमारा देश में सबसे समृद्ध राज्य, इसके जमीन के नीचे इतना खनिज पड़ा है कि पूरे देश के लोगों का पेट पाल सके। ओडिशा समृद्ध हुआ मगर ओडियावासी समृद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि खनिज के अंदर इन लोगों ने घोटाले किए, घोटाले। जस्टिस एम्बिसा कमीशन बनाया, जस्टिस एम्बिसा कमीशन ने सिफारिश की है मगर राज्य सरकार सहयोग नहीं दे रही। अरबों खरबों हजारों करोड़ रुपया बीजू जनता दल के आश्रय पाने वाले और ये ओडिशा सरकार के बाबू खा गए। मैं आपको गारंटी देता हूं मित्रों, आप एक बार ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, ओडिशा का एक एक पैसा, काणा पैसा जिन्हें खाया है उसको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। मित्रों, किसान यहां का संकट में है। पलपला नदी पर बर्डी ही बांध के रख रखाव भी नहीं हो रहा है। मयूरभंज के अंदर अपार टूरिज्म की क्षमता पड़ी है मगर वो कुछ नहीं करे। अब नई बात शुरू की है, ये ओडिशा हमारा पूरे विश्व के अंदर भगवान जगन्नाथ, गौरवशाली ओडिया भाषा और ओडिया संस्कृति के लिए जाना जाता था, ओडिसी नृत्य के लिए जाना जाता था। नवीन बाबू ने ओडिशा की शांति को भंग किया है। पिछले कुछ ही दिनों में हमारे 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है, 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर, 10 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की जान गई। नवीन बाबू, क्या समझते हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार दोगे तो आपकी सरकार बच जाएगी? मैं आज इस मंच से भारतीय जनता पार्टी और ओडिशा के मतदाताओं का आह्वान करने आया हूं, ये अंतिम चरण का चुनाव है, ईंट की ईंट बजा दो बीजू जनता दल सरकार की, उखाड़ कर फेंक दो उसको। ओडिशा के अंदर हिंसा करने वालों का कोई स्थान नहीं हो सकता है, ओडिशा के अंदर हत्याएं करने वालों का कोई स्थान नहीं हो सकता है। और बाबू भी कान खोल कर सुन ले,
आपके दिन भर गए हैं, पाप का गड़ा छलक गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, साये किए डरे का हिसाब देना पड़ेगा हिसाब, ये मेरी बात समझ कर। मित्रों, जब जनता जागती है तो अत्याचार करने वाले भागते हैं। ये कलकत्ता की तर्ज पर, बंगाल की तर्ज पर, यहां पर जो हिंसा का नंगा नाच हो रहा है, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि ओडिशा की जनता हिंसा को पसंद नहीं कर सकती। मित्रों, ढेर सारी बातें हैं करने के लिए, मगर मैं कुछ बातें संकल्प पत्र की जरूर कहना चाहता हूं। हमने तय किया है कि छोटे और सीमांत किसान को फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सूद लिए बगैर उनको ऋण दिया जाएगा, बैंक का ब्याज नहीं लिया जाएगा। किसान को, आदिवासी किसान को, छोटे किसान को 3,000 रुपया मासिक पेंशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की है। 1,00,000 करोड़ रुपया, 1,00,000 करोड़ रुपया सिंचाई के लिए खर्चा कर महानदी और बाकी नदियों का एक एक बूंद पानी किसान के खेत में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, युवाओं के लिए केजी से लेकर पीजी तक सारी शिक्षा सरकारी संस्थानों में मुफ्त कर दी जाएगी, किसी भी गरीब युवा को खर्च करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक